क्या अब आदमखोर भेड़िया पकड़े गए हैं या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है, और भेड़ियों से कैसे बचना है, इन सारे विषय में हम बात करेंगे। और भेड़िया कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है, उन विषय में बात करेंगे। लेकिन अभी जो माहौल है ना, वो आप देख सकते हैं, ये कुछ फुटेज जो कि ड्रोन कैमरा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी आए थे। बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे। खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत रहे। सावधान। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी जो विषय में बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और काफ़ी जगह वायरल भी हो रहा है, लोग इसके बारे में गलत गलत भ्रांतियाँ भी फैला रहे हैं। तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने साथ चल रहे शुभम भाई, और ये अभी हम आपका चमटी की तरफ ही पहुंचे हैं। तो जी, बाकी अभी आप काफी सुन रहे होंगे कि आदमखोर भेड़िया, भेड़िया जिससे पहले तक मतलब काफी ज्यादा खौफ रहता था गांव की तरफ, बहुत ज्यादा लड़ते डरते थे लोग, और काफी ज्यादा कहानियां भी प्रचलित थी, बच्चे सो जाओ वरना भेड़िया आ जाएगा, ऐसे करके दादी अम्मा वगैरह डराया करती थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये चीज़ें फिर से दोबारा होने लग गई है, और ये घटनाएं देखा जा रही है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में 35 गांव में, जिनका एरिया भी 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। 35 गांव में इतना डर का माहौल है कि कम से कम 10 से 15 पुलिस की टीम है, और पूरा गांव बस एक ही काम कर रहा है, भेड़िया को ढूंढने का, वरना भेड़िया आ जाएगा और बच्चों को मार देगा। तो ऐसे करते हुए भेड़िया ने 9 बच्चों को, मासूम लोगों को अपना निवाला बनाया, जिनमें से 8 बच्चे थे, और काफ़ी ज़्यादा उसका डर का माहौल तो बना ही है। बाकी उसके बारे में अभी थोड़ी सी विस्तृत रूप से हम समझेंगे कि भेड़िया होता कहाँ है इंडिया में, और क्या डरना चाहिए और कैसा होता है ये जानवर। पहले तो हम भेड़िया को समझते हैं, भेड़िया यानी कि वुल्फ। तो अपने वुल्फ और भेड़िया कहानियों में, किस्सों में बहुत सुना होगा, हालांकि भेड़िया नाम से मूवी भी आई थी वरुण धवन की, अभी भेड़िया 2 भी आ रही है, जस्ट प्रमोट ही हो रहा था इंटरनेट पे काफ़ी, तब तक ये हादसे होने लग गए गांव में। तो भेड़िया क्या होता है ना, एक तो डॉग प्रजाति का ही होता है, तो अगर हम बात करें कि कैनेडाई फैमिली से ये रहता है, और बाकी जो डॉग के अंदर डीएनए होते हैं ना, वो कम से कम 90% भेड़िया से मैच हो जाते हैं। यानी कि हम बात करें तो कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा शिकारी जानवर जो है वो है भेड़िया, यानी कि वुल्फ, जो कि झुंड बना के शिकार करता है और काफ़ी ज़्यादा खुकार शिकारी होता है। अगर जंगल में इसको डर है तो सिर्फ है शेरों से, बाघों से, बस उसके अलावा इसके आगे कोई नहीं है शिकारी जानवरों में। और बाकी एशिया में ये पाया जाता है, उसके अलावा जो जो एरिया में पाया जाता है वो मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखा दूंगा। बाकी जिस जगह पे ये एक्टिव है वो है बहराइच, उत्तर प्रदेश का जिला, जहाँ पे घाघरा रिवर बहती है उसी के पास, और उसके समीप ये खूंखार है दिन रात को, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए गवर्नमेंट घूम रही है कि बच्चों को सावधान रखें और घर से अकेले ना भेजें, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी जो एरिया चल रहा है ये तो HMT का है, लेकिन मैं आपको भेड़िया की जो बात बता रहा हूँ वो यहाँ से काफ़ी दूर है। बस ये है कि
थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस अपनी ओर से जितना हो सके वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और देखो, अगर भेड़िया से बचना तो वैसे बहुत मुश्किल है और छुपने का बहुत माहिर रहते हो, और जैसे वो जगह है ना 12 इंच जहाँ पे इसका आतंक है, तो वहाँ तो वैसे भी आजकल देख रहा था मैं गन्ने बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, उसके अलावा धान वगैरह की भी खेती होती है, और गन्ने तो कोई भी जानवरों के लिए छुपने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। जैसे आपने पीलीभीत में भी सुना होगा जो शुगर केन मैनेटा टाइगर, तो यहाँ तो टाइगर छुपते हैं और भेड़िया तो और इजीली छुप जाएगा क्योंकि छोटा भी है और वो ज़मीन के अंदर गड्ढे बना के रहता है पिट होल्स, तो छुपने में तो वो बहरी है। और जो इसकी स्ट्रेंथ एक तो छुपने की होगी, बाकी झुंड में रहना ये इनकी ताकत है, ये झुंड में रहते हैं एक साथ चलते हैं। तो अभी इनकी कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी जो कि वन विभाग वालों को ड्रोन से कैप्चर हुई, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन बना के एक के पीछे एक ये चलते हैं, तो यानी कि छुपने में ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। और उसके अलावा दौड़ते भी काफ़ी तेज हैं, तो 50 से 55 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है, और काफ़ी लंबा 20-25 मिनट तक वो पीछे भाग सकते तेज गति से किसी के, तो यानी कि हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हुए, हम कहाँ 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेंगे, वहीं ये भेड़िया ऐसे ही दबोच लेगा। तो ये है कि कैसे बचें, ये चीज़ भी बहुत बड़ी मायने करती है। तो मेन खतरा तो जो भेड़िया से होता है ना वो रहता है बच्चों को, क्योंकि वो बच्चों को दबोचता है, और अभी तो कई मामले आ रहे हैं जिसमें घर में घुस के भी बच्चों को उठा दे रहा है। तो उसमें भी ना कई चीज़ें रहती है, जैसे क्या होता है ना छोटे मोटे गांव जगहों में, ये आ गया जी, अरे भाई आज तो लाइट चली ऊपर यार, तो जैसे छोटी मोटी जगहों में क्या होता है ना गांव घरों में लोग छत में भी सोना पसंद करते हैं, और टॉयलेट भी ज़्यादातर क्या रहते हैं कि घर के बाहर ही रहते हैं, मतलब अटैच लैट्रिन बाथरूम का जो आप देखते हैं वो बड़े बड़े शहरों में NCR की चीज़ें हैं, लेकिन गांव घरों में ये चीज़ नहीं होती है अटैच टॉयलेट बाथरूम, वहाँ सेपरेट ही रखना पसंद भी करते हैं गाँव वाले। तो जब ऐसे टॉयलेट के बहाने जाना पड़ता है रात को, तो उस टाइम में बच्चों को दबोच लिया, ज़्यादातर घटनाएं ऐसे ही हुई है रात के 1-2 बजे के आसपास। तो भेड़िया भी ऐसे दबा के फिर वहाँ से ले जाता है बच्चों को, और फिर सब मिलके दूर खाते हैं। तो ये घटनाओं में जब मैं देख रहा था ना कई सारे चीज़ें पिछले टाइम के, तो यहाँ पे ये घटना है ना कुछ 28 साल पहले भी हो चुकी है, यानी कि 28 साल पहले बराइंच के पास एक गोंडा बलरामपुर, तो ये डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, तो यहाँ ये सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी है 28 साल पहले, और उस टाइम में बता दें कि 32 लोगों को मारा था भेड़ियों ने। तो वो चीज़ अब रिपीट हो गई है ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि 9 लोगों को मार दे जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा भी है, और इतने टाइम से मतलब 40-45 दिन हो गए, फॉरेस्ट वन विभाग भी लगी पड़ी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अलर्ट भी है, सब कुछ पूरी टीम लगी पड़ी है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पेशल ऑर्डर दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल उनको ट्रैंकुलाइज किया जाए, ट्रैंकुलाइज करने का भी ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी इनको पकड़ने में इतनी मशक्क़त क्यों। तो देखो जी, एक तो ये है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, और दूसरा छट से ये गन्ने के खेत में ऐसे चले जाएंगे तो आपको फिर मिलना बहुत टफ है, और बाकी ना ये होल्स बना के रहते हैं ज़मीन के अंदर या फिर गन्ने के खेतों में, वो मैं भी आपको फोटो दिखाऊंगा।
तो गड्ढे बना के रहते हैं, गड्ढे बहुत छोटे से होते हैं लेकिन वहां से ये अपने बॉडी को ना सिकोड़ के अंदर चले जाते हैं और गड्ढों से कई बार 5-6 फीट आगे एक और गड्ढा बनाते हैं, अंदर सुरंग बनाते हैं, टनल बनाते हैं और वहां से दूसरी जगह भी निकल सकते हैं। तो ये चीज़ अक्सर सियार भी करता है और भेड़िया भी ऐसे ही करते हैं, माद बना के रहते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत डेंजरस है। और बाकी एक चीज़ और जो ख़तरनाक है जिसके बारे में सबको जागरूक भी होना चाहिए, अभी क्या है ना, पास्ट में जैसे हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें डॉग के साथ हाइब्रिड हुआ था एक जेकॉल, वाइल्ड जेकॉल, और ऐसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी जो BBC में भी आई थी, तो उन्होंने भी भेड़िया को जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं उसके साथ हाइब्रिड होते हुए देखा, मतलब उन दोनों की आपसी एक नई जाति निकल जाती है, मतलब अलग ही दिखने वाला जानवर निकल जाता है। तो वो कहीं ना कहीं और ख़तरनाक हुकार या क्या उसका रिजल्ट है उसकी कोई अभी तक मुझे नहीं लगता कोई रिसर्च हुई है, क्योंकि हमने भी कहीं ऐसी देखी नहीं और जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसके बाद भी कोई एक्शन ऐसा फॉरेस्ट वालों की तरफ से मैंने देखा नहीं, ना फिर रिसर्च वालों से कि स्ट्रिक्टली ये एक्शन लिया जाए। तो क्या होता है ना, कई बार हम ये चीज़ देखी भी है कि टाइगर के अलावा बाकी विषय में उतनी चीज़ सामने नहीं आ पाती है आम पब्लिक के भी, तो वही चीज़ खतरनाक भी बन जाती है। अगर भेड़िया वहाँ पहले से देखा जा रहा था तो लोग सावधान होते तो ये घटनाएं कम होती, और जब एक दो घटनाएं हो गई थी ना उसके बाद ये घटनाएं और ज़्यादा कैसे बढ़ी, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। बाकी जो वहाँ पे रहते हैं भाई लोग तो उनको सावधान रहना है और जितनी हो सके ना अपने थ्रू अवेयरनेस भी फैलानी है कि भैया बच्चों को तो रात को साए मतलब शाम के टाइम के बाद अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और बच्चों को खेतों में भी नहीं भेजना है, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है बच्चों को, और अपना भी कहीं जाए तो लट्ठी वट्टी होनी चाहिए हर टाइम साथ में, और भागे ना बस, कभी जानवर कोई भी ऐसे जंगली जानवरों से सामना होता है तो भागे ना, भागने में आप खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी तो उसको महारत ही हासिल है भाग के शिकार करने को, कोई भी जानवर हो भले ही वो भेड़िया हो या टाइगर हो या लेपर्ड हो, भाग के शिकार करना और शिकार भी उसका भागते ही है तो उस टाइम में उसको चेज करके पकड़ना और थका थका के मारना, तो ऐसे भी करते हैं, तो ये तो आप उस पर जीत ही नहीं पाओगे, जीत पाओगे तो बस खड़े होके। और हाँ, भेड़िया पेड़ में नहीं चढ़ पाता तो पेड़ भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन वो भी अपने आप पे एक चढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और छत में ना सोए और ख़ासकर बच्चों को अलग ना रखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी अभी तक जो हमने बात करी भेड़िया के अटैक के बारे में तो काफ़ी दुखद है, और भगवान जितने भी बच्चे मारे गए उनको अपने चरणों में जगह दे, और आगे ऐसे ही कोई हादसे ना हो तो उसके लिए देखो सुरक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे ये आतंक चल रहा है, क्योंकि गन्ने की खेत है और धान की खेत है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी ये पता चला है कि जो ड्रोन कैमरा में दिखे थे ना 4 वुल्फ दिखे थे, 4 भेड़िया दिखे थे, उनमें से 3 को वन विभाग ने पकड़ भी लिया है, तो हालांकि अभी जो है टेस्ट वगैरह होगा उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये मुहर लगेगी कि भैया इन्होंने ही मारे थे, तो ये कंफर्म होगा। तो लेकिन तब तक ये है कि जहां तक माना तो यही जा रहा है कि इन्होंने ही मारे, और हो सकता है कि ऐसा ही हो और जो पकड़े गए तो फिर उनको कहीं डाल दिया जाएगा जू वगैरह में। तो बाकी आगे से भी सावधान रहना ही है, देखो जी अभी इन क्षेत्रों में तो गन्ने वन्ने हैं और घाघरा रिवर है तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, लेपर्ड का भी टाइगर का भी, तो बच्चों को तो खासकर बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है ऐसी जगहों में, और रात देर रात बच्चों का अकेले ना छोड़ें, और टॉयलेट के लिए भी जाते तो अपने साथ ले जाएं, अपने बगल पे ही ऐसे करें कि कोई उनको नुकसान ना पहुंच पाए, और उजाले जो टॉयलेट है वहाँ के आसपास एक प्रॉपर मतलब लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सोलर लाइट की,
वो जरूर करें जैसे भी हो, और टॉर्च वगैरह लेके ही चलें। तो बाकी करते हैं इस ब्लॉग को क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी।